हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमजित कौर और इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ग्रीन पेस्ट लेकर आई हूं, एक ऐसा हरे रंग का फेस पैक जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन और झुर्रियों को, रिंकल्स को और स्किन की जो सन टैन से स्किन जो हमारी काली हो गई है, हमारी सांवली स्किन जो है उसे क्लीन करने में, उसे गोरा बनाने में 2 to 3 शेड तक बहुत अच्छा निखार देने में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का रेमेडी, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें धनिया लेना है। धनिया को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और जार में डाल दें, मिक्सी वाले जार में डाल दें। थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालें और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दें और उसके बाद मलमल के या फिर छन्नी की मदद से आपने उसका सारा जो पानी है वो निकाल लेना है। अब कम से कम आधा कप पानी हमारे पास होना चाहिए, तो आधा कप धनिया का पानी हमने लेना है। धनिया के पानी जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में लाजवाब इफेक्ट देता है। तो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हमें चाहिए वो है टमाटर का जूस। टमाटर का जूस भी आपको पता है कैसे निकालना है। टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लें और उसका पानी भी आपको आधा कप चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुकुम्बर यानी कि खीरा। खीरे को भी आपने कद्दूकस करना है और उसका भी आधा कटोरी आपने पानी मतलब जूस हमें ले लेना है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है दोस्तों वो है पटाटो, जिसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है जो स्किन को वाइट इफेक्ट देने में बहुत हेल्प करता है। तो आधा कटोरी ही हमें जूस जो है वो पटाटो यानी कि आलू का रस जो है वो चाहिए होगा। अब आपने सभी रस को मिला लेना है। सभी के सभी रसों को आपने एक पैन में डालना है और धीमी आंच पे उसको अच्छे से गर्म करना है। एक चम्मच ही हमने इसके अंदर कॉर्न डाल देना है। कॉर्न स्टार्च हमारी ढीली स्किन को टाइट करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। अब धीमी आंच पे आपने अच्छे से इसको पका लेना है और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट आपका बनके रेडी हो जाएगा। अब इसको एक अलग से बाउल में निकाल लेना है और इस बाउल के अंदर आपने आधा चम्मच डालना है लेमन यानी कि नींबू का रस, जो हमारी स्किन को वाइट इफेक्ट देने में बहुत हेल्प करता है। दाग धब्बों को ख़त्म करने में लेमन बहुत हेल्प करता है। जितने भी स्किन के ऊपर अपने पिंपल्स हो जाते हैं उन्हें रिमूव करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ हम जो इसके अंदर डालने वाले हैं वो है दोस्तों एक विटामिन ई कैप्सूल, जो हमारी स्किन को विंटर सीजन में मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन को वाइट बनाता है, स्किन को सप्पल बनाने में बहुत करता है। कई बार हमें दिल करता है ना कि हमारी स्किन विंटर सीजन में ड्राई हो जाती है और दूसरों की स्किन देख के हमें लगता है यार उसकी स्किन कितनी सप्पल है, कितनी सूद है ना, हमें भी चाहिए। तो विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट, बहुत अच्छा चीज़ है कि जो हमारी स्किन को परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो इंग्रेडिएंट के अंदर आपने ये चीज़ ज़रूर डालनी है। तो एक कैप्सूल इसके अंदर डाल दें, अच्छे से फेंट लें, अच्छे से मिला लीजिए। आपका पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को आपने 20 मिनट तक चेहरा धोने के बाद सिंपल नॉर्मल पानी से चेहरा धोएं और 20 मिनट के लिए इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करके छोड़ दें। 20 मिनट के बाद को नॉर्मल कपड़े से आपने इसको वॉश करना है। आप वेट पेपर भी ले सकते हैं, वेट टिश्यू पेपर से क्लीन कीजिए स्किन को, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन मतलब वन टाइम के रिजल्ट जो है ना, वन टाइम यूज़ करने पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा इतना बढ़िया होगा कि जब आप हफ्ते में 3 से 4 बार इसका यूज़ करेंगे तो रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है स्किन के ऊपर, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन हो जाती है, वीकनेस की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा स्किन कितनी सूद, कितनी सप्पल होती है। आपने 1 month तक कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करना है। वैसे तो हफ्ते में 3 बार यूज़ करें, अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो एवरी डे भी यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा वन टाइम का रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, वो भी नीचे कमेंट बार में ज़रूर बताएं। आई नो वीडियो के अंदर ही मैंने काफ़ी इंग्रेडिएंट आपको बताया, हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा हार्ड ज़रूर होगा, लेकिन गाइस अगर अच्छे कफ़ायती बढ़िया से परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको फेक से रिजल्ट चाहिए तो मार्केट का कुछ भी उठा के फेस पे लगा लो और 5 मिनट के बाद वही स्किन जो है आपकी एकदम से गोरी तो कर देगा वो चीज़, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। शॉर्टकट पे मत जाइएगा, परमानेंट पे हमने विश्वास रखना है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पे ही ट्रस्ट करें एंड ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैन वीमेन सब
का यूज कर सकते हैं। मुझे कमेंट बार में बताइएगा रेमेडी कैसा लगा। इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वो भी नीचे जरूर बताइएगा। स्किन को एकदम परफेक्ट बनाने वाला ये फॉर्मूला है, ये पेस्ट है, ट्राई करें। मिलूंगी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।